हे गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। गाइस, आज मैं आप सब से इस वीडियो में अपडेट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। गाइस, अभी जो नया अपडेट आया है, देखिए इसमें, ये देखिए नया क्लैशिवर्सरी इवेंट आया है जिसमें ये नया एक ट्रूप ऐड हुआ है। गाइस, तो ये देखिए, यहाँ से तो ट्रेन नहीं कर सकते इस ट्रूप को, हमें डायरेक्ट यहाँ से ही करना पड़ेगा। हाँ, ये ऐड हो चुका है गाइज, ये देखिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ट्रूप ऐड हो चुका है, मैंने देखा नहीं। तो गाइज, मैं इस वीडियो का जो टॉपिक है वो उसके बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं सारे क्लैश ऑफ क्लैंस प्लेयर को, क्लैश ऑफ क्लैंस कम्युनिटी को क्लैशिवर्सरी, हैप्पी क्लैशिवर्सरी विश करता हूँ। तो गाइज, ये गेम मैं चाहता हूँ कि सालों साल चलता रहे, बहुत ही बढ़िया गेम है, स्ट्रेटेजिक गेम है गाइज, ऐसा गेम पहले कभी आया नहीं है। तो गाइस, चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये जो न्यूज़ में है, न्यूज़ में आप देखोगे नीचे क्लैन वॉर मैच मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स, तो आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि अभी जो रश्ड बेसेस है उनके लिए बहुत ही मुश्किल होने वाली है। रश्ड बेसेस मतलब इंजीनियर्ड बेस, जो बहुत जन बोलते हैं इंजीनियर्ड बेस, मतलब सिर्फ अपना एक टाउन हॉल 11 हो जाएगा उनका, और ये जो स्टोरेज ऐसा है वो फुल मतलब हाई, मतलब मैक्स लेवल हो जाएगा और सारे ट्रूप्स मैक्स लेवल। तो गाइज, ऐसे प्लेयर्स करते क्या हैं, वो समझो अभी 15 जन की वॉर है, तो टाउन हॉल 11 होकर भी मतलब उस प्लेयर का सारा ट्रूप्स मैक्स होता है। तो ये देखिए, उस प्लेयर को एकदम नीचे रख देते हैं, वो वॉर का जो लीडर होता है या जो भी वॉर सर्च करता है, उस टाउन हॉल 11 के प्लेयर को, रश प्लेयर को एकदम नीचे रख देते हैं। तो गाइज, वो जो रश प्लेयर होता है वो अगेंस्ट के टॉप प्लेयर को भी अटैक कर सकता है, ऐसे मैक्स उसके पास ट्रूप होते हैं। तो गाइज, ये देखिए स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ऐसे ऐसे इंजीनियर्ड बेस होते हैं। इस प्लेयर को मैंने पिछले एक वीडियो में मेरे बताया था, आप जाके देख सकते हैं वर्स्ट प्लेयर करके। तो गाइज, ये देखिए, अब मैं आपको पढ़ा देता हूँ ये क्या है, क्लैन वॉर मैच मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स। तो इसमें एकदम सुपर सेल ने बताया कि एल्गोरिदम्स जो होती है वॉर की, वो सुपर सेल ने इम्प्रूव कर दिया है। मतलब अभी जो मैच होगा, मतलब वॉर जो मैच मेकिंग होगी वॉर की, तो वो एकदम बराबर देख के ही होगी रश्ड बेस, समझो आपने रश इंजीनियर्ड बेस। ये देखिए सेकेंड पैराग्राफ का सेकेंड लाइन में देखिए, इंजीनियर्ड बेसेस जो आप नीचे रखते हो वैसे ही आपको अपोनेंट में भी मिलेंगे। मतलब ऐसा एल्गोरिदम तैयार किया है सुपरसेल ने जिससे अगेंस्ट के प्लेयर्स भी सेम होंगे, मतलब एकदम सेम ने आपके लेवल के ही होंगे और उनको आप अटैक कर सकते हो। तो गाइज, अभी ऐसा जो एल्गोरिदम आया है वो बहुत ही बढ़िया है, और जो जेन्युइन प्लेयर्स है COC के तो उनके लिए तो और भी अच्छा है, क्योंकि वो टॉप पर होके फिर भी 15th या 20th नंबर वाला उनको अटैक कर देता था, तो ऐसा अच्छा नहीं होता है गाइस। तो अभी सुपर सेल ने नया एल्गोरिदम लाया, तो अभी रश बेस करने का कुछ फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा है लेकिन अभी क्या करेंगे, अभी जो अपोनेंट में आएगा वॉर के लिए उसको भी मतलब सेम ही आएगा प्लेयर, अगर आपने 15th लेवल पे रखा है रश प्लेयर तो आप अपोनेंट में भी 15th या 15 और 20 के बीच में ही आएगा, वैसे ही प्लेयर आएगा। तो गाइज, ऐसा अभी कुछ करने का फ़ायदा तो है नहीं, तो मैं तो ये रेकमेंड करता हूँ कि आप सारे के सारे मतलब अपने जो बिल्डिंग्स है सारे बना ले, क्योंकि मैंने देखो मेरा रश्ड है लेकिन मेरा इंजीनियर्ड बेस नहीं है, क्योंकि मैंने सारे के सारे, मेरे पास बिल्डिंग्स है, डिफेंस है गाइज। तो देख लीजिए, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए गाइज तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस पे लाइक और कमेंट कीजिए। थैंक यू गाइज, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।